दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान
एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना साथियों। आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है और जानते हैं भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ऐसे प्रयासों से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है।